अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ मैं, तुमने मुझे क्यों मारा अपनी इस बेवक्त मौत से? मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अपनी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। आओ चलो मेरे साथ। तुम बस मेरा बहन हो। चलो मेरे साथ। ये मेरा बहन। मैंने अग्नि को डराकर कमरे से बाहर तो भेज दिया। मुझे जल्दी से अग्नि के कमरे में कोई सबूत ढूंढना होगा। अग्नि ने जब मुझे मारा था तब वो हवलदार वाली ड्रेस में थी। उसे मिलता जुलता कोई सबूत मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अग्नि का फोन चेक करती हूँ, शायद इसमें कुछ मिल जाए। इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है। क्या हो सकता है अग्नि का पासवर्ड? नारजी का बर्थडे। नहीं, अग्नि इतनी मतलबी है कि वो खुद के अलावा किसी और को नहीं चाह सकती। अग्नि का बर्थडे ट्राई करती हूँ। ये तो खुल गया। अग्नि के फोन में कौन से इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है? मैडम आप कहाँ हैं? मैं कब से धूप में यहाँ बाहर खड़ा हूँ, आप जल्दी आइए। तो उसे इंस्पेक्टर के जैसी लग रही जिसने मुझे उस केस में फंसाया था। पर ये अग्नि को क्यों फोन कर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। ये तो वही इंस्पेक्टर है, मुझे इनकी बात सुननी होगी। इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने? बोलिए ना क्या बात है? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने। आप अपनी बात बोलिए ना, बात क्या है? देखिए मैडम, जो रूही ने आप पर हमला किया वो फाइल में बंद करवाने आया हूँ, क्योंकि अब वो मर चुकी है। उस झूठे केस का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, और वो वीडियो भी मुझे मिल चुका है, तो इसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर, आप इस केस को बंद कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया। उस रूही को भी यही लगा कि उसने मुझ पे हमला किया था।
एक सेकेंड में पूरे परिवार को उसके खिलाफ कर दिया मैंने। खैर अब रूही तो रही नहीं, तो ये केस भी आप बंद कर दीजिए। तो ठीक है, हमारा काम यही खत्म होता है। ओ गॉड, मेरा वो पैच कहाँ गया? लगता है डर के मारे मैं ऐसे ही बिना चोट के निशान के आ गई। ओ गॉड, इसका मतलब वो हमला, वो जानलेवा हमले का केस, सब सब झूठा था। मैंने अग्नि को मारा ही नहीं था, ये मुझे फंसाने के लिए इन दोनों की चाल थी। मैं बेकसूर हूँ, और अगर मैंने ये बात सबको कह दी तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अग्नि बहुत शातिर है, वो सबसे कह देगी कि वो चोट मार गया, या फिर वो कुछ और कह के बात को पलट देगी। और अगर मैं अग्नि के केस से बच भी गई तो जेल से भागने का आरोप तो है ना मेरे सर पर। मुझे अग्नि के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। बेटा मैं कह रही, कहीं जा रही है बेटा? दादी वो घर में बैठे बैठे रूही की याद आ रही थी बहुत, तो मुझे लगा कि कॉलेज चली जाती हूँ, मैं ही जा रही थी। बिल्कुल जा, वैसे भी तेरे इस तरह से घर में रहकर उदास सी घूम रही है, तेरे दादू को भी शक हो रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, तुझे कॉलेज चले ही जाना चाहिए बेटा, और तेरा मन भी बहल जाएगा कॉलेज जाएगी तो। ये सब क्या हो रहा है छोटी माँ? ये क्या कर रही हैं आप? किसे पूछकर आपने रूही के सामान को हाथ लगाया? नाहर मैंने कहा है इन्हें ये सब करने के लिए। बेटा तुम्हारे भले के लिए रूही की चीजें तुम्हारे कमरे से दूर हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कैसी भलाई छोटी माँ? नाहर बेटा मैं जानती हूँ रूही को तुमने दिल से अपनाया था, रूही को तुमने अपना जीवन साथी मान लिया था। नाहर रूही तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी है, तो बेटा तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। बेटा ये जो जिंदगी है ना, ये एक किताब की तरह है, जहां हम एक पन्ने पे अटक कर नहीं रह सकते। एक कहानी कितनी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन एक ना एक दिन उसे भुलाकर हमें पूरी किताब पढ़नी ही पड़ती है। बेटा रूही की चीजों को खुद से दूर रख के तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। छोटी माँ, आप ऐसे कैसे रूही की तस्वीर को, उसकी चीजों को मुझसे दूर कर सकती हैं? रूही मेरी पत्नी है,
रूही तुम्हारी पत्नी है नहीं थी ना हार। ए मलिष्का जी, कहीं जा रही हैं आप? जी वो मैं पिंकू के साथ लंच पे जा रही हूँ। वो आजकल काफी परेशान लग रहे हैं और वैसे भी वो इतना करते हैं मेरे लिए, तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ करूं इसीलिए। आंटी जी, जी जरूर जाना चाहिए आपको लंच में, अच्छा रहता है मन। अच्छा मैं तो बल्कि कहती हूँ कि अगर कोई अच्छी फिल्म विल्म लगी हो तो वो भी देख लीजिए साथ में, अब यही तो टाइम है घूमने फिरने का, क्यों छोड़ा जाइए। आपने मुझे तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मलिष्का को बहु रूप में देखने के लिए पलके बिछाए बैठी है, लेकिन मैंने भी आपको नाकों तले चने न चबवा दिए ना, तो मेरा नाम भी पलक है। जी कुछ कहा आपने मलिष्का जी? मैं नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, जा रही हूँ मैं। अब सुंदर लग रही है आप मलिष्का जी। थैंक यू। पंडित से बात करनी होगी, मुहूर्त निकलवाना होगा। नहार, बेटा रूही जा चुकी है और तुम वही के वही रुके हो, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। जब कोई आपकी जिंदगी का आधा हिस्सा रहा उसे इतनी आसानी से भूलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता छोटी मां। नहार, बेटा अगर घर में कोई पालतू जानवर भी ले आते हैं ना तो वो भी चार दिन में जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसके साथ जाया नहीं जाता। दादी प्लीज प्लीज दादी। बेटा माँ जी को तुम्हारी चिंता है, तुम पहले भी खुद को बहुत दुख पहुंचा चुके हो, अब भी खुद को परेशान किए जा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी प्लीज। कौन सी बात मान लूं छोटी माँ, क्या करूं मैं, क्या चाहती हैं आप दोनों, आगे बढ़कर कहां जाऊं मैं और कैसे बढ़ूं? दूसरी शादी करके बेटा, हम चाहते हैं तुम दूसरी शादी करो। दूसरी शादी? छोटी माँ पे सब सोच भी कैसे सकती हैं? तुम कब तक इस तरह रूही की यादों को अपने आप से जकड़ कर रखोगे? अग्नि और तुम दोस्त हो और वो तुमसे प्यार भी करती है। दादी अग्नि और मेरे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है बस। छोटी मां नहार, नहार यही तो कह रहे हैं हम भी, एक दोस्त से अच्छा जीवन साथी भला और कौन हो सकता है। बेटा हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मेरा फैसला भी सुन लीजिए आप, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
हाँ जी, जिस रिश्ते को बचाने के लिए मैं आपसे इतनी दूर हूँ, उस रिश्ते को मैं कितनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। हेलो पंडित जी, मुझे ना अपने पोते की दूसरी शादी करवानी है, कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के बताइए। क्या अगले हफ्ते? नहीं 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 नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है पंडित जी। हाँ अगले हफ्ते। हाँ अगले हफ्ते शादी, टाइम तो कम है। इससे पहले जूही के दादू को रूही की मौत का पता चले, मुझे पिंकू और मलिष्का जी की शादी करवा देनी होगी, नहीं तो शौक में फिर से मेरे पिंकू की शादी अटक जाएगी। माँ जी, कल नवरात्रि का पहला दिन है, मैंने माता रानी के श्रृंगार के लिए माता रानी का थाल तैयार किया है, आप एक बार देख लीजिए। सब ठीक है, बस इसमें फूल रख देना। जी। सूतक खत्म हो गया है तो हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए। सुनी, इस बार हम नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाएंगे ताकि घर का ये दुखी माहौल मिट जाए और माता रानी की कृपा हम सब पर हो जाए। मैं नाहर और समर को बोल देता हूँ कि कल मूर्ति की स्थापना है तो वो लोग ऑफिस ना जाएं। I'm sorry, पापा। मैं इस नवरात्रि में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों बेटा, क्या तुम्हें माता रानी से बैर है? छोटी माँ, आप तो जानती हैं मैं पूजा पाठ भगवान में यकीन नहीं करता था, लेकिन रूही की अटूट भक्ति का मान रखने के लिए मैं पूजा में शामिल होने लगा था, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, अपनी इतनी बड़ी भक्त को नहीं बचा पाया आपके भगवान। सॉरी छोटी माँ, सॉरी दादी, लेकिन मैं इस पूजा में शामिल नहीं हूँ। मुश्किल से नाहर जी को भगवान पर विश्वास होने लगा था, पर मेरी वजह से वो फिर से टूट रहा है। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना कि मैं नाहर जी का विश्वास फिर से वापस ला सकूं। सुनी, नाहर ने तो पूजा में शामिल होने से मना कर दिया, जबकि मैं चाहती थी कि माता रानी की आरती नहार और अग्नि मिल के करें ताकि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिले। माता रानी का आशीर्वाद उनके सर पे होगा तो उनकी आने वाली नई शादीशुदा जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। आंटी, दादी, आप लोग जानती हैं ना, नहार बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। और प्लीज आप लोग जिद मत करिए और मुझे लंदन जाने दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगी अग्नि, तुम नाहर के सामने रहोगी और मुझे पूरा यकीन है उसका मन जरूर बदलेगा। अग्नि एक काम करो, इस बार नवरात्रि की सारी तैयारियां तुम करो, अगर माता रानी खुश हो जाएंगी तो उनका आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। सुन, बच गई बात, इस शादी के लिए और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे मुझे। सोनी सही कह रही है अग्नि, अगर माता रानी की कृपा रही तो कल नहार और तुम दोनों मिलकर आरती करोगे। मैं ऐसी तैयारी करूंगी कल पूजा की कि ना आप लोगों को और ना नहार को रूही की कमी किसी को महसूस नहीं होगी। कल रूही तुम स्वर्ग में रहो या नरक में, या भूत बनके कहीं भटकती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कल मुझे और नाहर को एक जोड़े की तरह माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए जरूर देखना। अग्नि, अगर माता रानी चाहती कि तुम और नाहर जी साथ में पूजा करो तो मैं उनकी जिंदगी में कभी आती ही नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर अगर मैं नाहर जी के साथ पूजा नहीं कर पाऊंगी तो तुम भी उनके साथ पूजा में नहीं होगी। अग्नि जी। दादी, पूजा में और भी लोग आएंगे तो प्रसाद में 5 किलो लड्डू और 5 किलो खीर बनेगी, और हाँ
बोरे में जो चावल रखे हैं ना, खीर उसी से बनाना। ये लिस्ट। पूजा का इतना सारा काम है और अग्नि से इतना काम नहीं हो पाएगा, वो सारा काम बिगाड़ देगी। और अपने इस खेल में मैं माता रानी की पूजा खराब नहीं होने दे सकती। इतना काम कौन करता है? कितना तामझाम है इस पूजा में। हे भगवान, मुझे इस घर की बहू बनना है या नौकर? ये सोनी आंटी तो सारा काम मुझ पर सौंपकर खुद सोने चली गई, जैसे कि मैं इस घर की पुश्तैनी नौकर हूँ। मैं चावल निकाल लेती हूँ बुरी से। Oh!